वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम तन सिंह सोडा, इंग्लिश टीचर। हम बात कर रहे थे वर्ब के बारे में, तो आज पुनः हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक बात की थी वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है किसी भी वाक्य का सेंट्रल पॉइंट होता है, और वर्ब के बिना वाक्य का बनना संभव नहीं है। और हम बात कर रहे थे वर्ब का क्लासिफिकेशन, और अब तक हमने पढ़ा है वर्ब जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था मेन वर्ब, और दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो संख्या में 24 होती है, फिक्स होती है, और मेन वर्ब जो है वो फिक्स नहीं होती है। इसको हमने आगे आगे डिवाइड किया था दो भागों में, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, और इन ट्रांजिटिव का मतलब जो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो हमने पढ़ी वो विद ऑब्जेक्ट आती है, इसको हम कहेंगे विद ऑब्जेक्ट, और ये आता है विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ब जो है विद ऑब्जेक्ट आती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो विदाउट ऑब्जेक्ट आती है उसको इन ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे आपने लिखा ही राइट्स अ लेटर, अब इस सेंटेंस में आप देखते हैं तो ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, राइट्स राइट्स यहाँ पर वर्ब है, और अ लेटर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मैं आपको बताया था सेंटेंस में व्हाट और हु, इसका जो आंसर होगा क्या हो, किसको, वह क्या लिखता है, तो आंसर हो जाएगा लेटर। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे जैसे द बर्ड, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। इस सेंटेंस में आप देखेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इस सेंटेंस को हम व्हाट और हू से क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं हम क्वेश्चन कर सकते हैं पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो कहाँ का मतलब वेयर का आंसर है, न कि आपका व्हाट है हू का आंसर है। इसलिए हम इस सेंटेंस के अंदर जो इसको ट्रांजिटिव नहीं मान सकते। ये सारे इसके एग्जाम्पल, इसके बारे में विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे हमारे पास में ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान दें, ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये संख्या में ये 24 होती है। इसका क्लासिफिकेशन हम इस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहली जो है इसमें हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसका दूसरा पार्ट है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। अब ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स संख्या में 11 होती है और मॉडल वर्ब संख्या में 13 होती है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये मेन वर्ब के साथ में आती है, और यदि कोई ऑक्सिलरी वर्ब विदाउट मेन वर्ब आती है तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम मेन वर्ब मानते हैं। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है आपके इज, आर, एम, वॉच, वर, डू, डज और डिड। इसके अलावा आपके हैं हैज, हैव और है। ये टोटल संख्या में आपकी हो जाएगी 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11। और इधर हमारी जो मॉडल वर्ब होती है वो 13 होती है। वो कौन कौन सी होती है ध्यान दीजिए, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये तो एट तो इसके जोड़े में आ जाते हैं। इसके अलावा मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, इसके अलावा डेयर, नॉट और नीड, नीड नॉट। इन दोनों को ये कुल मिलाकर के हमारे पास में हो जाती है 13। ये मॉडल वर्ब है, और डेयर नॉट और नीड नॉट ये मॉडल वर्ब के साथ में कभी कभार मेन वर्ब का काम करती हैं, इसलिए इन दोनों को हम सेमी मॉडल में, सेमी
मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब है कि ये मॉडल्स का काफी काम भी करेंगे और मैन वर्ब का भी काम करेंगे, इसलिए हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर मानते हैं। अब आपको बच्चों मैं एक चीज बता दूं कि हम ये वर्ब के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हम ग्रामेटिकल जो भी टॉपिक लेंगे उसमें वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वर्ब से संबंधित आपको जो पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप जो है वॉइस से संबंधित और डायरेक्ट इंटरैक्ट से संबंधित सारे टॉपिक जो है भी समझ पाएंगे। तो इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि इधर मैन वर्ब का हम दूसरा एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो इस प्रकार कर सकते हैं जैसे जैसे आप उसको एक इसकी फॉर्म होती है प्रेजेंट को, मैन वर्ब की प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और फोर्थ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका इन्फिनिटिव रूप होता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अब ध्यान दीजिए एक कोई हम वर्ब लेते हैं जैसे आपने इस प्रेजेंट फॉर्म में जैसे मान लो आपने गो को लिया, गो प्रेजेंट फॉर्म है, गो की पास्ट फॉर्म जिसको हम वेंट कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल गोन हो जाएगा और आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग हो जाएगा और आपका इन्फिनिटिव ये टू गो हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वर्ब को मुख्य वर्ब को हम पांच भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैन जो मुख्य वर्ब है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में काम आती है और इसके अलावा जो है हम रेगुलर यूज में जिसको हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसे बोलते हैं उनके नाम जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म है इसको बेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म का मतलब जो पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं आईएनजी के साथ आता है और फिफ्थ फॉर्म जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं और इन्फिनिटिव हमेशा टू के साथ में आता है। तो ये आपकी जो है वो संक्षिप्त जानकारी थी वर्ब के बारे में और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ध्यान दीजिए ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब जिनका टेंस एक्ट होता है और उसके बाद में जो है वो मॉडल। अब मॉडल वर्ब का आपको एक चीज को ध्यान रखना है जहां भी मॉडल आएगा मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद में किसी भी सेंटेंस में मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कभी कभार मॉडल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उस स्थिति में क्या होता है उस स्थिति में आपको मॉडल के बाद में पी जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो इसका आप जो है एक बार पुनः एक अभ्यास कीजिए ताकि आपको इससे संबंधित आपका सारा मैटर क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।